नक्सलियों के गढ़ में आर्मी आ रही है, ये तो खुशखबरी है यहां के लिए, लेकिन क्या करेगी? पूरी खबर जानना चाहते हैं। आर्मी की एंट्री हो रही है कहां? नक्सलियों के गढ़ में, मार्च 2026, वो तारीख याद रखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये डेडलाइन दे दी है भाई साहब, डेडलाइन नक्सलवाद को देश से खत्म करने की, यानी कि आने वाले 17 महीनों में बहुत कुछ होने वाला है। 40 साल से देश जिस नक्सलवाद के दंश को झेल रहा है, सालों से चल रहे संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसका सबसे मजबूत गढ़ है बस्तर, जहां पिछले 40 सालों से नक्सली लाल आतंक का साम्राज्य जमाए हुए हैं। नक्सलवाद के खिलाफ देश में सबसे बड़ी लड़ाई बस्तर में ही चल रही है, पूरे देश में। पिछले महीने जब गृह मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर बैठक की, तब खुद ही कहा था कि देश के लगभग हिस्से से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। देश के 90% नक्सली अब छत्तीसगढ़ में ही है भाई साहब, छत्तीसगढ़, जिसे जल्द ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, जल्दी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में क्या अब आर्मी शामिल होने वाली है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खबर आई है कि अबूझमाड़ के जंगलों में आर्मी अपना ट्रेनिंग कैंप खोलने वाली है। बस्तर में आर्मी की एंट्री के क्या है मायने? आज सीधे मुद्दे की बात में इसी पर बात होगी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। दिखाई आर्मी का काम है बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करना, लेकिन आज देश को सबसे बड़ा खतरा है नक्सलवाद से। पिछले 4 दशकों में इस लाल आतंक ने हजारों जवानों की जान ली है। जितने लोग नक्सलवाद की वजह से सिर्फ बस्तर में मारे गए हैं, उतने देश में कहीं और नहीं। बस्तर नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ है और अबूझमाड़ सबसे महफूज ठिकाना। अबूझमाड़ का मतलब है एक ऐसा जंगल जिसे बूझा ना गया हो, यानी समझ गए ना। गोदावरी और इंद्रावती नदी के बीच मौजूद ये जंगल इतना घना है कि ना तो मुगल शासक कभी यहाँ कब्जा कर पाए, ना ही अंग्रेज इस जंगल में घुस पाए। इस जंगल का सर्वे भी आज तक नहीं हो सका है, जबकि अंग्रेजों से लेकर आज की सरकारों ने कई बार इसकी कोशिशें की। यही वजह है कि बस्तर में जैसे ही नक्सली घुसे, उन्होंने इस जंगल को अपना महफूज ठिकाना बनाया। सबसे बड़े नक्सली गणपति से लेकर बसव राजू तक ने अबूझमाड़ के जंगलों को ही अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा था। लेकिन अब आर्मी यहां अपना ट्रेनिंग कैंप बना सकती है, इस बात की पुष्टि खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया है। सुनिए, गृह मंत्री विजय शर्मा से बात की हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने, क्या कह रहे हैं गृह मंत्री, सुनाइए जरा। मैनुअल रेंज बनाने के लिए 2009 का एक प्रस्ताव था, चूँकि जगह निर्धारित है, जनउपयोगी नहीं है, इसलिए अगर आर्मी उसमें अपना ट्रेनिंग कैंप करना चाहती है तो कर सकती है ऐसा, तो उस पर एक फिर से समीक्षा उस पर की जा रही है। नक्सलिज्म के उन्मूलन के उपरांत भविष्य में ऐसी ताकतें सरना उठा सकें, साथ ही साथ एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर इसकी आवश्यकता है। अब अबूझमाड़ में आर्मी के आने के मायने क्या हो सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे जिलों के दक्षिण और मध्य के इलाके में अब तक नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ थे। देश में सबसे अधिक जवानों की शहादत यही हुई है, यही इस इलाके में। लेकिन जैसे ही फोर्स ने इलाकों में अपने नए कैंप खोले, नक्सलियों ने अबूझमाड़ को एक बार फिर अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया। यही वजह है कि अब सुरक्षा बलों के मुख्य निशाने पर अबूझमाड़ है। अमित शाह का मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देने का दावा भी तभी पूरा होगा जब अबूझमाड़ में से नक्सली खत्म होगी। अबूझमाड़ में आर्मी के ट्रेनिंग कैंप के खुलने से इस युद्ध में फोर्स को बड़ा फायदा होने वाला है। भले ही आर्मी सीधे तौर पर नक्सलियों से नहीं लड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अबूझमाड़ में आर्मी की मौजूदगी से नक्सलियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, साथ ही इलाके के सर्वे के काम में भी आर्मी की मदद ली जा सकती है। फिलहाल
बस्तर में अर्धसैनिक बलों के 250 से अधिक कैंप मौजूद हैं। बस्तर में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। इसके अलावा एसटीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा जैसी एंटी नक्सल फोर्सेस भी बस्तर में तैनात हैं। बस्तर में आर्मी के ट्रेनिंग कैंप के खुलने के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सरकार नक्सलवाद के खिलाफ आर्मी को सीधे मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा कि नक्सलवाद के खिलाफ सीधे आर्मी मैदान में होगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। कौन कौन है भाई, दिखा दीजिए। नितेश गर्ग हैं और एक तरफ संजय ठाकुर हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और मुझे ये बताइए कि ये जो जमीन सर्वे, ये जो काम हो रहा है और गृहमंत्री अमित शाह का ये कहना कि भाई साहब ये टारगेट है, नक्सलवाद खत्म कर देंगे, तो ये सर्वे होके तो रहेगा नहीं, आर्मी आएगी। ठीक है, आर्मी को मैदान में नहीं उतारा जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ है, जो हम बता रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनेगा। और क्या भरोसा, क्या भरोसा कि अंतिम लड़ाई में जाइए भाई, जीत लीजिए मैदान। संजय, बिल्कुल यही बात है। देखिए, आर्मी ने लगभग 54,500 हेक्टेयर जो है एरिया मांगा है अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए। ये एरिया कितना बड़ा, इसे अंदाज़ा लगाइए कि रायपुर जैसे दो शहर जो हैं इस इलाके के अंदर आ सकते हैं। यानी इतने बड़े क्षेत्र में आर्मी जो है अपना ट्रेनिंग कैंप बनाएगी, क्योंकि आर्मी बहुत ही हैवी मशीनों के साथ अपनी ट्रेनिंग करती है। ऐसे में इस इलाके में जो है, सोनपुर का जो इलाका है, यहाँ ये ट्रेनिंग कैंप बनेगा। और इसके बाद यहाँ के आगे का जो इलाका है, जो अब तक नक्सलियों का मजबूत गढ़ था, वहां भी आर्मी की मदद हो सकता है ली जाए सर्वे कराने के लिए। देखिए, सीधे तौर पे आर्मी लड़ेगी नहीं नक्सलियों से, लेकिन जो सर्वे जैसी चीजें हैं, जो विकास डेवलपमेंट जैसी चीजें हैं, इसके लिए आर्मी की मदद ली जाएगी। और ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, जब हजारों की संख्या में आर्मी के जवान अभूजमाड़ के जंगलों के अंदर रहेंगे, तो नक्सली भी कांपेंगे आर्मी के जवानों से। निसंदेह, बिल्कुल संजय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संजय, जो आप बात कर रहे हैं, आऊंगा आपके पास। नितेश गर्ग, आप गृहमंत्री से बात करने पहुंचे थे, गृहमंत्री कुछ खा रहे थे, आपको भी खिलाए कि वापस ऐसे ही चले आए आप? और दूसरी बात, कितने आश्वस्त हैं वो और ये कितनी जल्दी हो जाएगा? कुछ ऑफ कैमरा उन्होंने बताया तो बता दीजिए। जी बिल्कुल, उन्होंने सादा और पौष्टिक खाना खिलाया, जैसा कि वो सभी के साथ बैठकर खुद खा रहे थे, वही खाना खिलाया। अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त हम भूखे थे, हमारी टीम भूखी थी, सभी ने खाना खाया। दूसरी चीज़, जिस बात की आप कह रहे हैं, गोली और बोली की नीति पर जो है सरकार आगे बढ़ रही है। तीन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है गृहमंत्री ने विस्तार न्यूज़ से बताई हैं। एक तो जिसका खुलासा आपने कर दिया, दो चीज़ें कि नक्सलवाद पुनर्वास नीति जो है वो 15 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच जो है पब्लिक डोमेन में होगी, और उसमें जो है जो सारी चीज़ें होंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी। और तीसरी चीज़, जो 6,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल जो मंगाने की बात है, जो कुछ बटालियन आने की खबर है, उस पर भी गृहमंत्री ने पुष्ट कर दी है। और इस पर गृहमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है, ये पटल पर आ गया है, जो आर्मी वाली समीक्षा है ये पटल पर आ गया है, और अब इस पर मंथन की बात आगे चल गई है। तो बहुत जल्दी इस पर एक्शन भी ले लिया जाएगा, क्रियान्वयन कुल मिला के कुल मिला के बहुत देरी नहीं होने वाली है। संजय उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? संजय, अपनी बात रखिए। देखिए, 2009 का प्रस्ताव था ये, इसके बाद लगातार ये टलता गया। एक बार 10 साल पहले कोंडागांव के इलाके में आके आर्मी ने अपनी कुछ समय की ट्रेनिंग की थी। अब देखिए, अमित शाह ने क्योंकि डेडलाइन तय कर दी है, मार्च 2026, सिर्फ 17 महीने का समय है, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। यही वजह है कि हो सकता है इस प्रस्ताव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाए, और ये जो अगर प्रस्ताव आगे बढ़ जाता है तो एक बहुत बड़ा असर ये पड़ेगा कि अभूजमाड़ में ही अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी नक्सलवाद की। ये बात आज लिख लीजिए, क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ यही है। संजय, हो सकता है, संजय बड़ी बात कह रहे हैं आप, और मैं आप दोनों की तारीफ में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, विस्तार न्यूज है, नितेश गर्ग सीधे गृह मंत्री के पास चले गए थे, और संजय जो है वो आपको वो जानकारी दे रहे हैं जो आप कल अखबारों में पढ़ेंगे, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये ऐसे सहयोगी हैं जो विस्तार से खबर को बताते हैं, और खासकर बस्तर से अगर नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है और गृहमंत्री ने कोई दावा किया हो, तो इसी तरह से जड़ में जाकर खबरों को बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नितेश गर्ग और संजय ठाकुर, कुछ भी होगा अपडेट बताते रहिएगा, जनता को दिखाते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।